उर्दू ज़बान की दूसरी किताब में मैंने सबक नंबर 14 पढ़ा दिया था। अब इंशाल्लाह सबक नंबर 15 पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शहरी और जंगली चूहा। एक चूहा शहर के अंदर किसी अमीर के घर में रहता था, जहां अच्छी अच्छी खुश मज़ा चीज़ें खाने को मिलती थी। एक रोज़ वह अपने जंगली दोस्त की मुलाकात को गया, जिसका सुराख खेत के किनारे था। जंगली चूहे ने मेहमान की बड़ी आवभगत और खातिर तवाज़ा की। जवार के दाने जो उसको मैसर थे हाजिर किए। शहर के चटोरे चूहे ने मेज़बान की खातिर से कुछ खाया तो सही, पर ये रूखी सूखी ग़िज़ा उसको क्यों भाने लगी। शहरी था बड़ा तमीज़दार, पहले तो इधर उधर की बातें करता रहा, फसल और मौसम का हाल पूछा, उसके गुजारे की सूरत दरियाफ्त की, फिर बोला, भाई तुम कैसे वीरान जंगल में ज़िंदगी बसर करते हो, जहाँ कोई मज़ेदार खाना नसीब नहीं। आओ ज़रा मेरे साथ चलो, वहाँ तुम देखोगे कैसे अच्छे घर और क्या क्या लजीज नेमतें खुदा की दी हुई मौजूद हैं। जंगली चूहे ने शहरी दोस्त की ज़ियाफ़त बड़ी खुशी से कबूल की। शाम को दोनों रवाना हुए, आधी रात गए, घर जा पहुँचे। शहरी ने उसको फौरन नफीस खाने पर, जो घर वालों का बचा कुचा रखा था, जा बिठाया। दोबारा देखते हैं उसे। शाम को दोनों रवाना हुए, आधी रात गए, घर जा पहुँचे। शहरी ने उसको फौरन नफीस के माना आता है उम्दा बेहतरीन, नफीस खाने पर, जो घर वालों का बचा कुचा रखा था, जा बिठाया। चूहे अभी यूं ही सा खाने पाए थे कि बिल्ली की खौफनाक आवाज़ कान में आई, म्याओं म्याओं। अब दोनों के दिल धड़कने लगे और औसान खता हो गए। नाचार पत्ता तोड़ भागे और सुराख में जा घुसे। जब बिल्ली चली गई और ख़तरा बाकी ना रहा, तो शहरी ने फिर खाने की तवाज़ो की, मगर जंगली दोस्त ने बहुत मन्नत से वापसी की इजाज़त चाही और यूं कहता हुआ चल दिया, यारों अगर तुम्हारे शहर में गुजारे का यही वतीरा है तो तुम्हें मुबारक रहे, मुझको वही अपना बेवकूफ़ घर और सादगी गुज़ा काफ़ी है। मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर तो वह खौफ व ज़िल्लत के हलवे से बेहतर, जो टूटी हुई झोपड़ी बेजर हो, भली उस महल से जहाँ कुछ ख़तरा हो। अब ये माना देखते हैं। तवाज़ो का माना आजिज़, आवभगत खतरा माना खौफ डर, ज़ियाफ़त माना मेहमानी, मेज़बान यानी मेहमानी करने वाला, लजीज मज़ेदार, खौफनाक डरावनी, मैसर हासिल होना, वतीरा का मतलब ज़रिया या तरीक़ा, नफीस मतलब उम्दा बेहतरीन, बेज़र मतलब ख़तरे से खाली। आप सबक नंबर 15 पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, 16 पढ़ेंगे इंग्लिश सबक में।